आप सोचेंगे कि सुखबीर तुम इतने अचार बनाती हो, मुझे अचार पसंद है बहुत और सुरेंद्र को भी रोटी के साथ खाना। कुछ ऐसे मैं अचार बनाती हूँ जो राइस के साथ खाते हैं, कुछ मुझे पसंद है जो रोटी के साथ बनाते हैं। पहले मुझे ज्यादा मूली गाजर और गोभी वो सब मिक्स अचार रहता था, वो मम्मी बनाया करती थी सर्दियों में। और बाकी का एक अचार था वो पंजाबी में लसूडा बोलते हैं उसे, उसका गोल गोल रहता है ऐसे राउंड, उसका अचार बनाया करते। और एक आम का अचार बनाया करते, और एक ट्यू बोलते हैं उसे पंजाबी में, उसका अचार बनाया, उससे ज्यादा अचार नहीं बनते थे। मगर मैं जब से हैदराबाद में शिफ्ट हुई हूँ, साउथ में आई हूँ, तो यहाँ अचार की इतनी वैरायटी है ना। मेरे घर में पर्सनली 3-4 अचार बनाया करते थे मम्मी, मगर यहाँ और भी बहुत सारे हैं वैरायटी के, पंजाब में अचार बनाते, मगर हमारे घर में 3-4 वैरायटी का ही अचार बनता। मगर मैं जब से साउथ में आई हूँ, मैंने इतने अचार बनाना सीखे हैं ना आंटियों से, और कुछ जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ बिल्डिंग में एक स्टूडेंट के कुक थे, उन अंकल से भी सीखे मैंने। और आज मैं ये मिर्ची का अचार बना रही हूँ, रेड मिर्ची का, जो ड्राई नहीं है, ऐसे जैसे ग्रीन वाली रहती ना ऐसे है, ये बढ़िया सी मिर्ची है ये। और एक बार ये वाला अचार मुझे दिया था, हम ट्रेन में जा रहे थे और मैं गैस बंद कर दूँ, मैं रोटी खा रही थी वहाँ पे, और मैं भिंडी की सब्जी के साथ खा रही थी, तो एक आंटी अंकल सामने बैठे थे, वो बोले बेटा हम तुम्हें अचार देते हैं, रोटी के साथ खाओ बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने ये वाली एक मिर्ची का निकाल के दी मुझे, इतना टेस्ट आया आज तक मैं भूल नहीं पाई। और फिर मैंने पूछा उनसे ये कैसे कैसे बनता, उन्होंने बताया मुझे, और फिर मैंने घर पे आकर ट्राई किया था, और तब तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था, बहुत अच्छा चला था। आज फिर बना रही हूँ, ये मैंने ली थी 2 kg मिर्चें, और 1 kg का मैं अलग से बनाऊंगी, वो फिर से आपसे शेयर करूंगी। आज मैं एक बना रही हूँ, बर्मा मिर्ची का अचार बना रही हूँ, और इसमें जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले इधर आ गुल्ली, गुल्ली मेरा कैमरामैन है। जी मसाले हैं, एक मैंने हल्दी ली है और जीरा लिया है, मैंने सौंफ ली है, अमचूर पाउडर लिया है, लाल मिर्ची का पाउडर लिया है, मेथरे लिए हैं, धनिया लिया है, और मैंने ली है पीली सरसों ली है, हींग ली है इसके अंदर, और सरसों का तेल हो जो लास्ट में डालना है, और पूरे मसाले मैंने यहाँ रख लिए हैं, और कलौंजी भी मैंने रखी है पास में, और सरसों का तेल देखिए। और आप फिर से अच्छे से देख लीजिए, पीली सरसों, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, मेथरे, सौंफ और अमचूर पाउडर, हल्दी, जीरा और कलौंजी, सरसों का तेल और हींग है इसके अंदर। और अभी मैं इसे सभी मसाले के ना पैन में रख के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपको पाँच छः स्पून के करीब मैं ले रही हूँ मेथरे और धनिया, धनिया भी मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ले रही हूँ धनिया। इन दोनों को थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ। सौंफ को मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि सौंफ की खुशबू चले जाएगी, इनको थोड़ा सा ज़्यादा करना है, बस इनकी नमी चली जाए उतना ही सारे। मसाला अभी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा ही किया है लाइट मैंने, और बस इसकी नमी चली जाए उतना ही। और अभी मैं इसको ग्राइंडर कर लूँगी अच्छे से, इतना ज़्यादा फाइन नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा दरदरा इसे पीसना है। और अभी मैं ऑयल गरम कर लिया था, थोड़े सा ऑयल में मैंने हींग साइड में जो निकाला है ना 2 स्पून, उसमें मैंने हींग डाल दी है, और ये मसाला भी देखो पीस गया है अच्छे से अब। और अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कलौंजी, मेरे पास 1 kg मिर्ची है, तो मुझे आइडिया से ही मैं डाल रही हूँ, जैसे मैंने इसे कम से कम 6 स्पून के करीब मैंने इसमें कलौंजी डाल दी है,
और ये अमचूर पाउडर जो रहता है वो भी मैंने डाल दिया है 5-6 स्पून के करीब, वो भी है। और अच्छे से मैं इसे हाथ से मसल लूँगी। आप हाथ से नहीं इसे मसलना चाहते, सभी मसाले डाल के इसे आप एक बार छन्नी के साथ ऐसे छान लेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा मसाला एकदम। और हल्दी भी मैंने डाल दी है, और मिर्ची, जैसे वो मिर्ची इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं रहती, और ये वाली मिर्ची मैंने डाल दी है, और 2 स्पून ये अचार वाली मिर्ची है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिए। और इसे बहुत अच्छे से हमने मसाले को, जो भी मैंने मसाले आपको बोले थे ना, सभी मसाले मैंने पीस लिए हैं, और अभी इसमें मैंने अच्छे से इनको मैं हाथ से मसल रही हूँ। और इसमें अभी मैं 4 नींबू डाल दूँगी। ये मेरा 1/2 kg के करीब हो गया है मसाला, जैसे 200 ग्राम्स था सभी, और जितने भी थे, और धनिया पाउडर जो जीरा था वो 2 स्पून ही थे। और मैंने जितने भी मसाले बोले आप एक बार फिर से बैक जाके वीडियो में चेक कर सकते हो, आपको कोई डाउट आए तो आप लिख भी सकते हो। और जो नींबू मैंने 4 निचोड़े हैं इसके अंदर, उसमें वो मैं अच्छे से हाथ से मसल मसल के उसको मसाला लगा दूंगी, और थोड़ा सा तेल लगा के, एकदम गीला नहीं करना है, थोड़ा सा ऐसे करना है पाउडर। और अभी मैंने इसके लास्ट नमक डाल दिया है, और ये मैं थोड़ा सा अभी काला नमक रहता है ना वो डाल रही हूँ अभी। और काला नमक भी मैंने पीस के डाल दिया, और इतना अच्छा मसाला बन चुका था ना। अब मैं मिर्चियों में भर भर के ना अभी 2 जार में भर लूँगी, और हो गया बस तैयार। और तेल मैंने गरम करके सरसों का ठंडा कर लिया है, वो भी लास्ट में डाल दूंगी। और आपको ऐसे लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ, एकदम डिटेल में आपको नहीं बताती हूँ कभी, तो आपको ऐसे डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, मैं आपको एक एक और धीरे बहुत आराम से, अब मेरे चाहने वाले बहुत कम हैं अभी देखने वाले, और मुझे लगता है कि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, नहीं तो इसका एक एक मैं डिटेल में आपको बताऊँ कितने ग्राम है, कितनी क्वांटिटी में मसाला है, वो सब। अब अचार एकदम तैयार है, बन चुका है बढ़िया सा। और अभी मिर्ची जो है ना अभी गट है, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ना, गल जाए ना। अभी अभी 2 दिन हो गए मुझे इसे बांधा, आज 3रे दिन मैं इसे हाथ लगा रही हूँ, और देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और 2 बॉक्स में मैंने, 2 जार में मैंने इसलिए भरा है क्योंकि एक सुरिंदर लेके जाएंगे और एक घर पे रहेगा। तो अभी भी मैंने ना, जब 3 दिन पहले मैंने इसको ये जार में डालने के टाइम मैंने ये कपड़ा लगाया था, और सरसों का ऑयल मैंने हीट करके फिर ठंडा करके फिर इसमें डाल दिया है, और ऐसे ही मैंने लगा के रखा है, धूप में मैंने नहीं दिया है। अभी भी 1 हफ्ते तक मैं इसे ऐसे ही बांध के रखूंगी, और धूप में मैंने नहीं दिया, इसे जरूरत नहीं है धूप की, देना चाहे तो दे भी सकते हो आप। मैं पिकल इसलिए बनाती हूँ कि पिकल मुझे बहुत पसंद है बनाना, ऐसे मुझे स्वीट बनाना भी बहुत पसंद है, मगर हनी और बुर्लिन और मैकेंजल स्वीट इतना ज़्यादा खाते नहीं है, हनी को पसंद है और हनी हॉस्टल में है। अब समर आ रहा है और हनी जब आएगी हॉस्टल से तो उसके लिए मैं स्वीट बनाऊंगी, वो आपके साथ पक्का शेयर करूंगी। और मैं ऐसे भी बहुत सारी स्वीट बनाती हूँ, आपके साथ मैंने शेयर भी की हैं। और ये पिकल बनाना मुझे, अचार बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और मैं कम से कम 20 वैरायटी का अचार बना लेती हूँ, और मैं इतना इतना हर साल ही बनाया करती हूँ। जब जब मैं बनाऊंगी, सीजन स्टार्ट हो गया तब तक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कम से कम 10-20 वैरायटी का मैं पिकल बना लेती हूँ, जो राइस के साथ ही खाया जाता है, कुछ रोटी के साथ खाया जाता है, वो भी साउथ का, नॉर्थ का नहीं, साउथ का मैंने सीखा है। बहुत सारी वैरायटी है, धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और मैं इतनी बिजी थी अपने कामों में, मुझे और भी काम रहते हैं, मैं छोटा सा बिजनेस करती हूँ, अभी मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं आपके साथ यूट्यूब में आना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब में वीडियो डालना बहुत अच्छा लगता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं
डेली आपके साथ मिलूं और डेली ब्लॉग बनाऊं, मगर मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं करने की पूरी कोशिश करती हूं और थोड़ा भी मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये शेयर कर सकती हूं तो मैं करना पसंद करती हूं। तो फिर मिलती हूं आपको मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अच्छा लग रहा है मेरा ब्लॉग और आप मुझे पसंद करते हो, फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा लग रहा है तो फिर मिलती हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।